YouTube चैनल, मेरा नाम है तरुण सरयाल और आप देख रहे हो तरुण सरयाल व्लॉग्स। गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैंने जाना है जम्मू। मैं जा रहा हूँ जम्मू अपना बाइक मॉडिफाई कराने। गाइस मेरा जो भी बाइक है वो है थंडरबर्ड एक्स और मैंने उसको कन्वर्ट करवाना है हार्ले में। तो गाइस मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा कि हमने बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी है और किससे करवानी है। तो गाइस मैं अब आपको अपना बाइक दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपनी शॉप पे, यहां पे जहां हम अपना बाइक पार्क करते हैं। तो अब मैं आपको अभी अपना बाइक बताऊंगा। देख लिए होंगे और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बाइक जो है ये है थंडरबर्ड और अब हमने गाइज इसको कन्वर्ट करवाना है हार्ले डेविडसन में। और गाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें जो ये टायर है, ये टायर हमने आफ्टर मार्केट दिलवाया था, थोड़ा ये जो कंपनी फिटेड आता है उससे थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है ये। और उसके बाद गाइज इसका हमने मड गार्ड भी चेंज करवाया था, इसके हमने शॉकर्स भी चेंज कराए थे, फ्रंट शॉकर्स। तो गाइज आप देख सकते हैं अब ये टायर भी चेंज होगा, इससे भी ब्रॉड टायर पड़ेगा, इससे बड़ा भी मड गार्ड पड़ेगा और इसके शॉकर भी ब्रॉड होंगे थोड़े। और इसके गाइस अलॉय जो आफ्टर मार्केट है, गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो हेड लैंप है वो कंपनी फिटेड है, मीटर भी आप देख सकते हैं गाइस, पूरी हैंडल भी आफ्टर मार्केट है। उसके जो टैंक है गाइस, ये भी आफ्टर मार्केट है, इसको हमने पेंट करवाया था। गाइस आप अभी इसकी सीट्स देख सकते हैं जो थंडरबर्ड के साथ आती हैं वही है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं सेम वही थंडरबर्ड वाली है, ये देख सकते हैं आप थंडरबर्ड 350 है ये, अगर आपको दिख रहा हो। सारी गाइस थोड़ा अंधेरा है, सुबह का टाइम है और ये पीछे जो डॉग्स बात कर रहे हैं इसकी आवाज थोड़ी अवॉइड करें। बाकी गाइस आप इसका पीछे वाला टाइम देख सकते हैं, ये नॉर्मल जो थंडरबर्ड के साथ है वही है। और गाइस जो इसका सिलेंस है ये गाइस थंडरबर्ड का है, डॉल्फिन का है, सॉरी गाइस डॉल्फिन का सिलेंसर है इसका। गाइस ये भी चेंज होगा, इसका जो लेग गार्ड है गाइस ये भी आफ्टर मार्केट है। तो गाइस आपने पूरा बाइक मेरा देख लिया होगा। सॉरी गाइस अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ गया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा बाइक है, अब हमने जो इसमें मॉडिफिकेशन करानी है तो वो आपको मैं जम्मू जा के बताऊँगा। तो गाइस मिलते हैं जम्मू। तो गाइस अब हम अपने जम्मू वाले घर पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम गाइस निकलेंगे यहाँ से बाइक मॉडिफाई कराने के लिए। और गाइस मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा कि हमने इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी है और भैया इसमें कैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, पूरी डिटेल्स मैं गाइस आपको वहाँ जाके दूँगा और शॉप की डिटेल्स भी गाइस मैं आपको वहाँ जाके बता दूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइज भैया यहाँ पे कुछ और बाइक्स भी मॉडिफाई करने के लिए लगा रखी हैं, एक बाइक इन्होंने मॉडिफाई कर दी और पीछे जो दूसरी बाइक है इन्होंने मॉडिफाई करनी है, और पीछे जो ये आप थार देख सकते हैं ये भी इन्होंने मॉडिफाई की है। तो गाइज अब भैया से हम पूछेंगे इन्होंने हमारे बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो गाइज अब हम भैया के पास बाइक ले आए और भैया से पूछेंगे कि भैया आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। गाइज ये शॉप जम्मू जिवल में पड़ती है, बिट्टू सीट मेकर्स। तो भैया आप बताओ इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। भाई एक तो इसका होगा स्विंग आर्म चेंज, ठीक है, स्विंग आर्म चेंज होगा, इसके अंदर की सारी फिटिंग चेंज होगी, चेन सेट चेंज होगा, सिलेंसर चेंज होगा, टैंक, मड गार्ड, हैंडल, मीटर, ऑलमोस्ट सब कुछ। और भाई ये कितने नंबर टायर है और कैसे डलेगा ये? भाई ये है 180 mm, ओ सॉरी 180 mm है। और इसके लिए फर्स्ट तो हमको स्विंग आर्म चेंज करना पड़ेगा, ये वाला स्विंग आर्म चेंज। हाँ स्विंग आर्म चेंज होगा, इसके अंदर के सारे नट बोल्ट जो भी हैं सारा चेन सेट चेंज होगा इसके लिए, और डिस्क ब्रेक का देखना।
सो गाइस मैं वापस अपने घर जोरी पहुंच चुका हूं। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और गाइस मेरे इस व्लॉग का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें गाइस मैं आपको अपना बाइक बताऊंगा कि मेरा बाइक कैसे मॉडिफाई हुआ और क्या लुक दे रहा है वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दें क्योंकि जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।